Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with chapter 9, data handling of class 6, mathematics. Hey students, now in today's lecture we will learn about pictograph. So let's start. First thing we have to remember, the definition of pictograph. What is pictograph? So we have to remember that a pictograph represents data through pictures of objects. It helps answer the questions on the data at glance. Means pictograph जो है वो क्या करता है, data को represent करता है with the help of objects pictures. Okay, और ये हमें मदद भी करता है तुरंत आंसर देने में. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पर मेरे पास एक कपबोर्ड है और उस कपबोर्ड के अंदर है बहुत सारी रोज है. यहाँ पर मैंने 5 रोज ली हुई है और उन रोज के अंदर जो है बुक्स रखी हुई है. ओके, तो यहाँ पर मैंने बुक्स का पिक्चर बनाया है. ओके, और यहाँ पर मैंने उसका स्केल क्या लिया है, 1 book. ओके, तो यहाँ पे 1 picture जो है मीन्स वो कि यहाँ पे 1 picture जो है क्या शो करता है, 1 book शो करता है. ओनली 1 book. यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग. नाउ यहाँ पर जो फर्स्ट रो है मेरा कप बोर्ड का, उसमें कितनी बुक्स रखी हुई है, 1, 2, 3, 4. नाउ सेकेंड रो में कितनी बुक्स रखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5. नाउ थर्ड रो में जो है 1, 2. फोर्थ रो में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिफ्थ रो में जो है 1 and 2. तो यहाँ पे जो मेरा कपबोर्ड है उस कपबोर्ड के अंदर जो है जो 5 रोज है उन 5 रोज में कितनी कितनी बुक्स रखी हुई है ये रिप्रेजेंट करता है. ओके, अब आपको यहाँ पे रिमेंबर करना है कि यहाँ पे 1 picture जो है ओनली 1 book को ही शो करता है. ओके, अब सपोज दैट कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बुक्स ज्यादा हो तो हम लोग जो है क्या करेंगे, 1 book को जो है 5 books शो कर सकते हैं, 5 books शो कर सकते हैं, 10 books शो कर सकते हैं. ओके, मींस ये आपको कब करना है, जब क्वांटिटी बुक्स की ज्यादा हो. ओके, तो यहाँ पर ये सपोज हमने इसको 5 लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है 1, 2, 3, 4 मीन्स 4 books नहीं, यहाँ पे 1 book की वैल्यू क्या होगी, 5, एनदर की 5, इसकी 5, मतलब पर बुक की वैल्यू कितनी होगी, 5. मीन्स फर्स्ट रो में कितनी बुक्स रखी हुई है, 5, 5, 5, 5, मीन्स 5 हो जाए 20. मीन्स कितनी बुक्स रखी होगी, 20. तो ये हमको कब लेना है, जब क्वांटिटी जो है ज्यादा हो. ओके, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ग्रुपिंग क्या करते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने इजीनेस के लिए 5 लिया है, आप 10, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं, बट इजीनेस के लिए हम लोग 5 और 10 करके चलते हैं. ओके, तो सेकेंड रो में जो है कितनी बुक्स होंगी, 1, 2, 3, 4, 5. मीन्स ये 5 book को अगर मुमकिन है तो 5, बट 1 book की वैल्यू कितनी है, 5. मीन्स कितनी बुक्स होगी, 25 books होगी. और इसी तरह से जो आप इनको भी काउंटिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ जो है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि पिक्टोग्राफ होता क्या है. पिक्टोग्राफ जो है ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है किसके हेल्प से, जो डाटा होता है उस डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के पिक्चर्स को लेकर के हम लोग एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं. उस टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है हम उसके पिक्चर्स को यूज करके जो है डिटेल देते हैं. अब इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट में कितने बुक्स हैं. ओके, तो तुरंत पिक्चर को देख करके हम लोग, और यहाँ पे जो स्केल हम ले रहे हैं उसको देख करके हम लोग आंसर दे सकते हैं कि 20 books हैं. ओके, हम बोल सकते हैं कि 25 books जो है किस रो में है, तो हम बोलेंगे कि सेकंड रो में है. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है हम लोग इस पिक्टोग्राफ को देख करके दे सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो है पिक्टोग्राफ के लिए आप लोगों को ध्यान में रखनी है.